हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले पैराडाइज पब्लिक स्कूल कोर्ट में बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक बेहतर मॉडल प्रदर्शित किए। बच्चों की विज्ञान विषय में रुचि पैदा करने के लिए समय समय पर इस तरह के विज्ञान मेलों का आयोजन स्कूल में किया जाता रहता है, जिससे कि बच्चों को विज्ञान में हो रहे आविष्कारों के बारे में भी पता चलता है। वहीं पैराडाइज पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि आज स्कूल परिसर में बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने रुचि दिखाते हुए एक से बढ़कर एक बेहतर मॉडल तैयार किए हैं। यहाँ पे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, अभी हम उनके मॉडल्स भी देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने काफी मेहनत की है उन मॉडल्स को बनाने के लिए और उसको डिस्प्ले करने के लिए। सबसे जरूरी बात, जब हम साइंस फेयर या बाल विज्ञान मेले की बात करते हैं, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इस तरह के मेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस तरह के मेलों का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे अपने अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालें और उनको बाहर निकालकर इस मेले में प्रदर्शित करें। एक तरह की इनोवेटिवनेस भी आएगी। तो बाल विज्ञान मेला ये हर एक बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने आप को और अपने अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको दिखा सके। वही छात्रा शिवानी ने बताया कि स्कूल में आज पैराडाइज विज्ञान मेला लगाया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से मॉडल तैयार किए हैं। वहीं बच्चों ने अपने अपने मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। हमारे प्रिंसिपल ने आज हम सबके लिए एक एग्जीबिशन किया है, जिसका नाम है पैराडाइज बाल विज्ञान मेला। इसमें हम सब बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो उनके माइंड जो भी उनके मन में होता है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए वो कर सकते हैं, और अपने सहपाठियों से वो आइडिया ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और प्रोजेक्ट बना के अपना भी देख सकते हैं। टीचर्स भी हमें बहुत सी हेल्प करते हैं इस चीज़ में। आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है। ये साइंस एग्जीबिशन इसलिए किया है कि बच्चे जो हैं अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम आज मैंने स्वच्छ भारत का प्रोजेक्ट मॉडल बनाया है, तो उसमें जब मैं उसको बना रही थी तो तब पहले से भी बोलते थे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत, तब मेरे को कुछ पता चलता था। जब मैंने इसको बनाया तभी मेरे को सब कुछ पता चला कि कैसे क्या चीज़ है ये और इसको किसने शुरू किया और कैसे हुआ ये। आज हमारे स्कूल में पैराडाइज बाल विज्ञान मेला मनाया जा रहा है। इसमें जो है हमारे स्कूल के लगभग सभी बच्चों ने जो है पार्ट लिया हुआ है, और जो हमारा बाल विज्ञान मेला है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है उनके अंदर छिपे हुए आइडियाज़ हैं उनको बाहर ला सकें। जैसे कि अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग इंसान होते हैं, उसी तरह से उनके दिमाग में भी अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, उस तरह से वो अपने आइडियाज़ को एक मॉडल के थ्रू बता सकते हैं। क्योंकि हम जो हैं जो वर्क प्रैक्टिकल करके करते हैं, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो चीज़ हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं वो हमारे लिए परमानेंटली हमारे दिमाग में रह जाती है और इसको हम हमेशा के लिए सीख जाते हैं। इसमें जो है बारिश का पानी हम बचाएंगे, उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि बारिश का पानी मोस्ट कॉमनली वेस्ट जाता है, हमें उसे बचाना है, क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल है ज़मीन का वो कम होता जा रहा है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए और हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए। आज हमारे स्कूल में बाल विज्ञान मेला हो रहा है, जिसमें सभी बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरह से भाग लिया है। सभी ने नए नए मॉडल्स बनाए हैं और हमने भी एक मॉडल बनाया है, रेन मॉडल हार बेस्टिंग, जिसमें हमने बताया कि हम बारिश के पानी को कैसे स्टोर कर सकते हैं